गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। हेलो, कैसे हो आप सब? भैया अच्छे हो गए? मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए गाइस, मैं अब चल रही हूँ अपने कमरे पर, और जहाँ मैं अपने रहती थी तो वहीं जा रही हूँ। देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाली साड़ी बांधी है, आप देख सकते हो। मैं दिखाती हूँ आपको इसका, इस तरीके से ये साड़ी बांधी है हमने, आप देख लीजिए। और चलिए मैं चलते हैं, तो आप लोग मेरी वीडियो में एंड तक रहना। अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ बाहर, ये हमारे ताऊ का, पड़ोस में ताऊ लगते हैं, उनका मकान है, तो मैं वहाँ पर खड़ी हो गई। और अभी भैया आ रहे हैं, तो हमने बच्चों की वीडियो नहीं बनाई और नहीं दिखाया, क्योंकि वो रो रहे थे मेरे साथ आने के लिए। छोटे छोटे हैं तो वे बच्चे क्या जाने, तो वे हम लोग जब चलते हैं तो मचल जाते हैं जाने के लिए। तो हम यहाँ बाहर खड़े हैं, और फाइनली गाइस अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, एकदम वैसा फील हो रहा है, बट क्या करूँ, बहुत दिन हो गए, बस इतना दिन बहुत है, और बच्चे की पढ़ाई भी मारी जा रही है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैं अपने भैया दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखो करो। मैं आप लोगों की वीडियो पूरी देखती हूँ, बिल्कुल भी कट नहीं करती हूँ, और पूरी वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करती हूँ। तो आप लोग भी मेरी वीडियो को पूरी देखा करो और मेरा साथ दो। मैं आप लोगों का साथ देती हूँ, क्योंकि मैं न्यू वीडियो देखूं तो उसको फ्रेंड बना लेती हूं, और जो भैया दीदी मेरे फ्रेंड हैं पहले से, उनको भी उनकी वीडियो पर मैं अवश्य जाती हूं, कुछ भी करूं पर उनकी वीडियो पर मैं अवश्य पहुंचती हूं। बट कि कोई गलती मेरे से हो जाती है, किसी भैया दीदी की वीडियो छूट जाती है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अपनी जान में मैं किसी की वीडियो को नहीं छोड़ती हूँ, मैं सबकी वीडियो पर जाती हूँ और अपना मैसेज छोड़ के आती हूँ पूरी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए गाइस, अभी मैं निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे, मुझे दूर जाना है इसलिए। तो चलिए, मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं थोड़ा ही बहुत ब्लॉग बना पाऊँगी। मुझे चलने में प्रॉब्लम होती है, एक हाथ तो पैर पर रख लेती हूँ, तो फिर एक हाथ से साड़ी संभालूँगी कि वीडियो बनाऊँगी, इसलिए मैं थोड़ी सी ही बना पाऊँगी। तो आप लोग उसी में इंजॉय कीजिए। तो चलिए मैं चलते हैं। चुके हैं चौराहे पर, उतर गए, ये रोडवेज जा रही है, इसी में हम आए थे। और आप देख सकते हो हम यहाँ बाजार में आ चुके हैं, अब थोड़ी दूर रह गया है। तो अभी यहाँ पर हमें हमारे मकान मालकिन की लड़की वो मिल गई, तो वो बोल रही हैं आंटी मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मार्केट में चलो, तो मैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए मार्केट में जाऊँगी। और अभिषेक हमने घर भेज दिया है, वो बैग लेके चला गया, और हम अभी उनके साथ मार्केट में जाएंगे। और ये ऑटो रिक्शा आ चुका है, हम इसमें बैठती हूँ। ये गाइस, और हम मार्केट के लिए जा रहे हैं, और वहाँ से अब से हमने घर पर भेज दिया है, आप देख सकते हो। मार्केट में पहुँच चुके हैं, थोड़ी दूर पर रह गया है, और फिर हम
मार्केट में मिलेंगे, तब तक आप लोग हमारी वीडियो में बने रहना। ये देखिए मार्केट लगा है, इसे कर लो यार। आप देख सकते हो हम यहाँ दुकान पर खड़े हैं, ये मार्केट लगता है। तो यहाँ लली ले रही हैं, अपने लिए कपड़े देख रही हैं, और मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने गाउन देखे थे दो तीन, और हम यहाँ चारपाई पर बैठी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ चारपाई पड़ी थी, तो मैं थोड़े चलती रही तो थक गई, मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। आप देख सकते हो यहाँ बैठी हुई हैं, ये और अब ये हमने किया है ऑटो रिक्शा, तो अब हम चलते हैं घर के लिए। आप देख सकते हो ये रिक्शे से हम घर के लिए जा रहे हैं। ये पुल के नीचे हम आ गए हैं, यहाँ से मैं अपने घर के लिए ऑटो रिक्शा करूँगी। आप देख सकते हो हम यहाँ आ चुके हैं कमरा पे। देखिए बहुत तेज गर्मी थी और कितनी धूप है, इन्होंने मार्केट में रोक लिया, सब गर्मी में परेशान कर दो। आप देख सकते हो हम घर पर आ चुके हैं। बस अपनी वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, और देखिए गाइस हमारे कमरे की जो दो महीने हो गए तो बहुत गंदा हो चुका है, क्योंकि दो महीने पहले हम यहाँ से जा चुके थे। तो हम उसकी सफाई करेंगे और फिर मिलेंगे, थोड़ी बहुत कमरे की सफाई करेंगे, वहाँ दिखाएंगे, और फिर हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।